हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। नमस्कार, मैं बबीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बबीता किचन में। फ्रेंड, बबीता किचन में जो रेसिपी आई है वो ना तो सूजी है, ना मैदा है, ना ही चावल का आटा है। ये एक नई डिश है जो बहुत ही डिलीशियस है और इस रेसिपी को बहुत ही झटपट बनाया जा सकता है और प्रोटीन से भरपूर, सब्जियों से भरपूर है, जो हर बच्चों, बड़ों, सबको पसंद आएगी। पर उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बटन ऑन कीजिए ताकि अच्छी अच्छी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 3 आलू लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के आलू हैं, 1 बड़ी प्याज लिए हैं देखिए, और 4 मैंने टमाटर लिए हैं, ऐसे छोटे छोटे टमाटर लिए 4 ले रहे हैं, आप 2 ले सकते हैं, और ये 2 शिमला मिर्ची ली है, और लिया है इसका मेन इन्ग्रीडियंस है ये पोहा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बड़ा वाला पोहा लिया है जो एक से बड़े बड़े वाले होते हैं, अगर आपके यहाँ छोटा है तो वो ले सकते हैं, और 2 हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक काटी हुई और थोड़ा सा धनिया। इन सब सब्जियों को मैंने बिल्कुल आज ग्राइंडर से ग्राइंड करा है, इसको बारीक बारीक देखें, लंबा लंबा अच्छे टाइप काट लिया है सारी चीज़ें, टमाटर, शिमला मिर्ची, प्याज, सबको मैंने ऐसे काट लिया है ये देखिए, ताकि ये मुँह में ना हो, जब हम इसको खाएँ तो एकदम ये अच्छे से दिखे। प्याज भी देखिए मैंने सब कर लिया है, लच्छेदार बनाए हैं तीनों चीज़ों को, और यहाँ आलू भी मैंने लच्छेदार कर लिए हैं, और इसे पानी में 2-3 बार धो के पानी में डाल दिया है, और यहाँ मैंने पोहा भी पानी में 2-3 बार धो लिया है और मैं इसको निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, पोहा का ये टेस्टी नाश्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, बनाया होगा, एकदम यूनिक रेसिपी है, बहुत ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और इतना अच्छा लगता है, एकदम रोज का वही सूजी आटा खा के अगर बोर हो गए तो ये पोहा की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने सारे पोहे अच्छी तरह पानी में से निकाल लिया है, निचोड़ के, अब इसके अंदर आलू और ये सब वेजिटेबल सब डाल रही हूँ, शिमला मिर्ची, टमाटर, और ये धनिया पत्ती और हरी मिर्ची, और ये प्याज। फ्रेंड्स, ये सब्जियों को मैंने थोड़ा सा पानी निचोड़ लिया था, आप भी निचोड़ लीजिएगा, और ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के ओरिगेनो डाला है, और 1/4 टेबल स्पून डाली है काली मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, या आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है। इन सब चीज़ को हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर ना मैं मैदा डालूँगी, ना सूजी डालूँगी, कुछ नहीं डालना, सिर्फ पोहे से बनाएंगे और ये वेजिटेबल से बनाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा फिर भी। ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छी तरह हाथ से सारे मिला रही हूँ, पोहा ये सब चीज़ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, एक इसका परफेक्ट सा डो सा बनाना है हमें, और इसके अंदर पानी फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स में से भी निकला है, और थोड़ा पोहा भी हमने अच्छी तरह भीगा हुआ ही लिया है। ये देखिए, ये हमारा हो गया, उसे हाथ से मिला के देखेंगे क्योंकि उसका लड्डू सा बन रहा है। ये देखिए, टूट नहीं रहा, बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे ही हमें चाहिए था। बस ये हमारा मिक्सर एकदम रेडी है, और अब हम इसको थोड़े से ले के कोई भी एक शेप दे देंगे। देखिए, मैं जैसे ऐसी शेप बना रही हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप वैसे शेप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सर्कल, थोड़ा सा रेक्टेंगल, स्क्वायर, अलग अलग तरह की से बना लिए। ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं ये, और देखिए ऊपर से वेजिटेबल्स हमने सब कद्दूकस करके डाली है, जल्दी कुक हो जाएगी, और देखने में भी कितनी प्रिटी सी अच्छी सी लग रही है, ग्रीन रेड सब दिख रहा है। अब इसको क्या करना है, हमें बस ब्रेड क्रम्स लेने हैं, उसके अंदर उसको अच्छी तरह लगा के इसको हमें सेमी फ्राई करेंगे। यह हमने तवे का लिया है, तवे पे थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरह ग्रीस कर गरम कर लिया है, और एक इसको लेके अपना पूरा ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह इसको लगा देंगे चारों तरफ से, और फिर मैं इसको सेकूंगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी और झटपट बनती है और इतनी डिलीशियस है, और इसमें वेजिटेबल्स अगर आप कद्दूकस करके डालेंगे तो बच्चों को पता भी चलेगी, वो भी वेजिटेबल अच्छी तरह खा लेंगे। यहाँ तवे पर मेरी 5-6 जितनी आ रही है मैं उतनी लगा रही हूँ, इसे टिक्की की तरह सेकेंगे हम, आप चाहते हैं तो इसे ड्राई डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं ऑयल कम यूज़ कर रही हूँ उसमें, तो मैं इसे ऐसे टिक्की की तरह सेकूँगी, और मेरा तवा अच्छी तरह बड़ा है तो 5-6 आ जाएंगे इसमें, 6-7 आराम से आ गई हैं, तो मैं अब इसको अच्छी तरह सेकूँगी। देखिए, और फ्रेंड्स अगर आप इसको टिक्की की तरह बनाना चाहते हो बना सकते हैं, वो टिक्की की भी बना सकते हैं, और बंद के जैसे बर्गर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, स्लो गैस पे ही सेकेंगे इसको, जैसे जैसे होते जा रहे हैं आगे पीछे से टर्न कर लेंगे हम थोड़ा सा,
और इसको मैं बदल के देखती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया फ्रेंड्स। जो हमारे बीच वाले हो गए थे उनको हम टर्न कर लेंगे, और ये देखिए बिल्कुल नहीं टूटेंगे क्योंकि इसमें पोहा अच्छी तरह मिला हुआ है। ये पोहा मैंने एक कटोरी बड़ा वाला कटोरी लिया था, आप अगर मेजरमेंट कप से नापेंगे तो ये 1.5 कप के करीब होगा। और इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली हैं, आलू को अच्छी तरह 4-5 बार धोया है, कद्दूकस करा हुआ तो वो एकदम कुरकुरा सा हो गया क्योंकि उसमें स्टार्च निकाल दिया था, तो बहुत ही अच्छा सा नाश्ता बनेगा हमारा ये। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी टिक्कियाँ से करी हैं। इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा है और झटपट बनने वाला है, इसके ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फटाफट सब सब्जियों को कद्दूकस करके मिक्स करके तुरंत बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो उसको थोड़ा कटलेट शेप भी दे सकते हैं, सिलेंडर शेप दे दीजिए, गोल दे दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा दे दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा सा सीख चुका है, बस इसे याद रखिएगा, मंदी मंदी गैस पे ही सीखिएगा। हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ऊपर से जल जाएगी और अंदर से क्रिस्पी सी नहीं बनेगी, इसलिए स्लो गैस पे सेकेंगे हम तो बहुत ही अच्छी कुरकुरी सी बनेगी हमारी। और मैं देखिए इसको प्रेस करते हुए सेक रही हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर ना हो, वो रिलीज़ हो जाए यहीं पर। ऑयल ज़्यादा नहीं डाला मैंने, सेमी फ्राई कर रही हूँ मैं ऐसे इसे। बस बन गया हमारा नाश्ता, बहुत ही झटपट बनने वाला, एकदम टेस्टी सा। जब भी आपको चटपटा सा खाने का मन करे तुरंत बना सकते हैं। ये देखिए मैं इसे अब निकाल लूँगी, मेरे कितने अच्छे से ये स्नैक्स एकदम रेडी हैं। ये देखिए मैंने सारे बना के रख लिए, अब मैं उसे और ये वाले उतार लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स कहीं से भी टूटा नहीं है, कहीं से भी जला नहीं है, मंदे मंदे बिल्कुल एकदम परफेक्ट सी की हैं हमारी, और इतनी क्रिस्पी सी बनी है कि मुंह में पानी आ जाएगा। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। अब बाकी बची हुई मैं फिर से इसमें तवे पे लगा रही हूँ सेकने के लिए। ये देखिए मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, ये ऐसी डिश है इसके झटपट बनाने वाली। बच्चों का मन करता है, ट्यूशन से आते हैं, स्कूल से आते हैं, कुछ चटपटा सा शाम के टाइम बारिश है, कुछ अच्छा सा तीखा सा कुछ मिल जाए गर्मा गर्म तो मज़ा ही आ जाए। रोज़ के पकोड़े वगैरह से बोर हो गए तो प्लीज़ ये फ्राई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी बनती है और झटपट तैयार होती है। पोहा वैसे भी हेल्दी होता है और मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाली हैं तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और मैंने इसे ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी सी बनी है, ये देखिए एकदम बढ़िया सा टेस्ट है इसका। ये देखिए एकदम अंदर से सॉफ्ट बिल्कुल, ऊपर से क्रिस्पी सी, खाने में बहुत ही लजीज बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, आराम से इजीली टूट चुकी है। और ये देखिए जो इसके लच्छे दिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, अगर मैं आपको नहीं दिखा पा रही तो आपको दूसरा दिखाऊंगी मैं। इसको सॉस के साथ सर्व कीजिए आप, सॉस ग्रीन सॉस या टमाटो केचप, मैं टमाटो केचप के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। आप इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके दिख रहे हैं ना अच्छे लच्छे, ये बिल्कुल अंदर से कितना यम्मी सा लग रहा है। फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई के बटन को ऑन कीजिए ताकि अच्छी अच्छी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो को इन्जॉय कर सके। फ्रेंड्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।